हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ऋषि की रसोई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अनुराग। आज जो रेसिपी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, वो एक डेजर्ट की रेसिपी है और आज हम बनाने वाले हैं नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू मुझे बहुत ही पसंद हैं, चाहे नारियल की बर्फी हो या नारियल के लड्डू हो, ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद आते हैं। मुझे पता है आपको भी उतने ही पसंद आते होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने तवे को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगा हमारे गरी का ये बुरादा। इसे हम डेसिकेटेड कह सकते हैं, नारियल का ये जो है बुरादा है। तो पहले इसे हम हल्का सा लाइट भूनकर तैयार करेंगे। जो फ्लेम है वो मैं यहाँ पर लो कर देता हूँ और हम इसे पहले हल्का सा भून लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे भून कर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगा स्किम्ड मिल्क, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क। ये नेस्ले का आता है कुछ इस प्रकार से, इसे मैं इसमें ऐड करूँगा। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसे अच्छे से यूं मिला लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और हमने गैस को बंद कर दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगा इलायची पाउडर। थोड़ा सा हम यहाँ पर इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से इसके साथ यूं मिला लेंगे। और अभी मैं इसको आराम से अच्छे से ठंडा होने दूंगा, क्योंकि जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बट थोड़ा ठंडा करना है ताकि इसके जब हम लड्डू बनाएं तो वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कंडेंस्ड मिल्क की जगह आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप दूध का यूज़ करेंगे तो आपको चीनी मिलानी पड़ेगी और उसे आराम से थोड़े समय के लिए और चलाना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि हमारा जो गरी बुरादा है वो जल ना जाए। तो चलिए, नारियल के लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये कुछ मैं ऐसे लूंगा हाथ में और इसे कुछ यूं हमें ऐसे ऐसे गोल शेप देना है। तो हमने इसे गोल शेप दे दिया है, देखिए आप। और अब मैं इसे इस नारियल में यूं लपेट दूंगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, और ये जाएगा इसमें और इसके ऊपर जाएगी हमारी एक ये किशमिश। तो हमारा ये नारियल का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम सारे नारियल के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारे नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और ये बड़े ही स्वादिष्ट हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ किया है। कंडेंस्ड मिल्क है क्या? वो एक प्रकार का ऐसा मिल्क है कि जब हम दूध को बहुत देर तक कह सकते हैं फैटते रहते हैं तो जो गाढ़ापन आ जाता है वही एक कंडेंस्ड मिल्क, एक प्रकार की रबरी। तो हमने डायरेक्ट उसको मार्केट से ख़रीदा है और यहाँ पर मिला दिया है। आप दूध का यूज कर सकते हैं, उसको पहले रबरी फॉर्म में बना सकते हैं और फिर उसे ऐड कर सकते हैं। तो दोनों विधियाँ हैं, दोनों विधियों से हम नारियल के लड्डू बना सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि और भी ऐसे कुकिंग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। थैंक यू।